हेलो दोस्तों, मेरे चैनल निधि फैशन एंड आर्ट टीवी में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल निधि फैशन एंड आर्ट टीवी को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो के अपलोड की नोटिफिकेशन मिल सके। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम फ्रंट स्लिट कलीदार कुर्ती सिल सकते हैं प्लस साइज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्ट पेपर के दो पीस ले लीजिए और उसे एक तरफ से फोल्ड कर लीजिए। शोल्डर है 15, तो हाफ ऑफ शोल्डर हुआ 7.5, तो 7.5 पर हम निशान लगा लेंगे। आर्म होल की लेंथ शोल्डर जितनी लेंगे 7.5 इंचेस। चेस्ट है 40 इंचेस, तो 40 का फोर्थ पार्ट हुआ 10 इंचेस। इसमें हम 2 इंचेस और जोड़ देंगे सिलाई के लिए, तो टोटल हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे। हमारे टॉप पार्ट की टोटल लंबाई है 16 इंचेस, इसमें हम 1 इंच और जोड़ देंगे। वेस्ट हम चेस्ट जितना ही लेंगे, बस इसमें 1 इंच माइनस कर देंगे। अब हम चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को जॉइन कर देंगे। अब इधर से 1.3 इंच लीजिए और आर्म होल का शेप इस तरह से बना लीजिए। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंचेस और गले की लंबाई लेंगे 4 इंचेस। इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गया फ्रंट साइड और ये बैक साइड। चलिए अब हम फ्रंट साइड के गले की कटिंग कर लेते हैं। अब हम ऊपर से 8 इंचेस लेंगे और निशान लगा लेंगे। और कुछ इस तरीके से ब्रॉड वी शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट के लिए गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और लंबाई लेंगे 3 इंच और इस तरीके से गले को शेप दे देंगे। इसके बाद 2.5 इंच का स्पेस छोड़कर एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी लंबाई करीब 6 से 7 इंच है। क्योंकि मुझे डीप नेक बनाना है तो मैंने ज़्यादा ली है, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसके बाद इस पार्ट को ओपन करके मेजर करेंगे, तो एक साइड का वेस्ट मेजरमेंट हो रहा है 23.5 इंचेस। अब हम 6 कलीज बनाएंगे, मतलब टोटल 12 कलीज होंगी, 6 आगे और 6 पीछे, इसलिए 23.5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.5, जिसे हम राउंड फिगर करके 4 कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास 12 कलियां हैं, तो हर कली 4 इंच की होगी, जिसमें हम आधा इंच और सिलाई के लिए ले लेते हैं।
और हमारी कलियों का घेरा हम 8 इंच ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से और बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अब कलियों की कटिंग के लिए चार्ट पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। अब एक तरफ से 2 इंच और एक तरफ से 4 इंच का निशान लगा लेते हैं। ये हमने हाफ ही लिया है क्योंकि हमने पेपर को फोल्ड किया हुआ है, यानी कि 4 की जगह 2 और 8 की जगह 4 इंच लिया है। इसमें हम 1/2 इंच और ले लेते हैं सिलाई के लिए। अब दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन खींच लीजिए और अब कट कर लेंगे। इसके बाद टॉप पार्ट की कटिंग को अस्तर के ऊपर रखकर चौक से निशान लगा लेंगे। इस साइड से 1/2 इंच ज्यादा ले लेंगे सिलाई के लिए और कटिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे साइड भी निशान लगा के कट कर लेंगे। अब इस लाइनिंग को मेन कपड़े के ऊपर रखकर पिन लगा लेंगे। ये सेंटर हम कट कर लेंगे। ये जो हमने फ्रंट साइड से पार्ट कट किया था, इसे हम दूसरे कलर के फैब्रिक से बनाएंगे। चलिए अब कलियों की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कली को रखकर निशान लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा भी वेस्ट ना हो।
और अब इसे कट कर लीजिए। इस प्रकार से हम 12 कलियां काट लेंगे। अब हम पैनल को सिल लेंगे। मजबूती के लिए डबल सिलाई करेंगे। बैक साइड के लिए पूरी 6 कलियां एक साथ सिल लेंगे, पर फ्रंट साइड के लिए 3-3 कली करके सिलेंगे क्योंकि हमें फ्रंट स्लिट कुर्ती बनानी है। अब टॉप पार्ट को 3 तरफ से इस तरीके से सिल लेंगे। अब पिन निकाल लीजिए और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लीजिए। इसके बाद तीनों तरफ से हल्का हल्का चटका या कट मार लेंगे ताकि कपड़ा अच्छे से टर्न हो सके। आप कपड़े को टर्न कर लीजिए इस तरीके से। और एक बार टॉप सिलाई मार लीजिए सेट करने के लिए। इसी तरह से बैक साइड भी सिल लेंगे। Thank you.
यहाँ बैक साइड पे इस जगह पर हुक पट्टी लगा लेंगे। सॉरी दोस्तों, मेरा आगे का वीडियो गलती से डिलीट हो गया था, इसलिए मैं ड्राफ्ट की मदद से आगे की कटिंग और स्टिचिंग समझा रही हूँ। तो देखिए, जैसे कि हमने बैक पार्ट तैयार कर लिया है और पूरी 6 कलियाँ ज्वाइन कर ली हैं। इसे मैं ग्लू की मदद से चिपका के बता देती हूँ। और फ्रंट साइड के लिए दूसरे कलर का कपड़ा जो हमने लिया था उसे हम यहाँ पर सिल लेंगे और गला बना लेंगे कैनवास या फिर बकरम की मदद से। और फ्रंट साइड के लिए 3-3 कली करके सिलेंगे। अब हम इधर से हल्का राउंड शेप देंगे इस तरह से। इस राउंड शेप पे हम पॉम-पॉम लेस भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमें सिर्फ कलियों को टॉप पार्ट से सिलना है और कंधे ज्वाइन करने के बाद सिर्फ साइड फिटिंग करनी है। लीजिए, हमारी कुर्ती तैयार है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।